नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मैट्रिक इंटर नौवीं परीक्षा और सेंटअप परीक्षा के पहले डमी ओएमआर जारी करेगा बोर्ड। स्वास्थ्य विभाग में 4,568 पदों पर होगी बहाली। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का रिजर्वेशन शुरू। बिहार के सरकारी स्कूल दिखेंगे चकाचक। आज ही के दिन भारत का यह युवा खिलाड़ी बना था विश्व कप जिताने वाला सबसे युवा कप्तान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में 4,568 पदों पर होगी बहाली। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी राजद नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दी गई थी। तब से लगातार स्वास्थ्य विभाग में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बता दें, इसी के तहत चलाई जा रही राज्य में मिशन 60 और मिशन परिवर्तन के तहत बहुत जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तर पर 4,568 पद पर नियुक्ति होने वाली है। बता दें कि इनमें से कुछ नियुक्तियां बिहार तकनीकी चयन आयोग और कुछ नियुक्तियां बिहार कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि अगस्त तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मालूम हो कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के अंदर कई पद खाली हैं, इसी को लेकर यह बहाली प्रक्रिया चालू की गई है। बिहार की राजधानी के सभी स्कूल 28 जून तक बंद। बिहार में मॉनसून का आगमन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों के लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में इस भीषण गर्मी को देखकर बिहार की राजधानी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर की ओर से आदेश जारी कर पटना के सभी स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकतम तापमान बढ़ने और खासकर दोपहर के दौरान उमस भरी गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में पूर्व के आदेश के विस्तारित करते हुए पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन 28 जून तक बंद रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले पटना डीएम के द्वारा 11 जून को आदेश जारी कर कहा गया था कि जिले के सारे स्कूलों को 18 जून तक बंद रखा जाए, और फिर इस आदेश को बढ़ाते हुए स्कूलों को बंद रखने की तारीख 24 जून तक कर दी गई थी। वहीं अब एक बार फिर से आदेश जारी कर जिले के सभी स्कूलों को 28 जून तक बंद करने का निर्देश दे दिया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी को लेकर आचार्य किशोर कुणाल का दावा। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा अयोध्या की हनुमानगढ़ी के कुछ संतों द्वारा पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के दावे और कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि महावीर मंदिर का अयोध्या के हनुमानगढ़ी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहल कर 1983 से 1985 के बीच पुराने महावीर मंदिर का निर्माण कर उसे भव्य स्वरूप प्रदान किया था, जिसके बाद बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा 1987 में पुरानी प्रबंधन समिति को व्यवस्था के कारण इसे भंग कर नई न्यास समिति बनाई थी। वहीं 1990 में एक विस्तृत योजना के तहत इसकी नियमावली भी बनाई गई और फिर लिखा गया कि यहाँ पुजारियों की परंपरा ही रही है और अलखिया बाबा से लेकर सुंदरदास को पुजारी ही माना था। इस मंदिर के इतिहास में हनुमानगढ़ी रामानंद संप्रदाय स्वामी बाल आनंद या अयोध्या की चर्चा तक नहीं है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी ने कभी अपने दावे के समर्थन में आज तक एक प्रमाण या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जबकि महावीर मंदिर के संबंध में कोर्ट से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णय का उल्लेख करते हुए यह सिद्ध किया है कि महावीर मंदिर के प्रबंधन पर हनुमानगढ़ी का अधिकार कभी नहीं रहा। गया में 26 जून को लगेगा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि बिहार के गया के बोधगया रोड में किंदुई स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय के परिसर में 26 जून यानी कि कल एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इस रोजगार मेले में बजाज कैपिटल इंश्योरेंस और मैक्सिमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपना निबंधन NCS के पोर्टल पर करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का रिजर्वेशन शुरू। अगर आप भी पटना से रांची का सफर करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की इंतजार कर रहे थे तो अब आपका यह इंतजार खत्म हो गया है। बता दें कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन तरीके से 27 जून को रांची में ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर वंदे भारत ट्रेन की IRCTC साइट पर रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में यात्रियों को चेयर क्लास में सफर करने के लिए 1,175 रुपए चुकाने होंगे, तो वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करने के लिए 2,110 रुपए चुकाने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 जून को नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची से गाड़ी संख्या 02439 रांची पटना वंदे भारत का उद्घाटन 10:30 बजे किया जाएगा और वह पटना जंक्शन 5:25 बजे पहुंचेगी। वहीं अगर 28 जून की टाइमिंग की बात करें तो गाड़ी संख्या 2349 पटना रांची वंदे भारत ट्रेन पटना जंक्शन से 7 बजे खुलकर 1 बजे रांची
पहुंचेगी। वहीं वापसी में 28 जून को गाड़ी संख्या 22350 रांची पटना वंदे भारत ट्रेन रांची से 4:15 बजे खुलकर 10:05 बजे पटना पहुंचेगी। बिहार के सरकारी स्कूल दिखेंगे चकाचक। राज्य में मौजूद सभी सरकारी स्कूलों को चकाचक किया जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा सभी डीएम को पत्र लिखकर निर्देश दे दिया गया है कि अब विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय शिक्षा समिति की नियमित बैठक होगी। इसके साथ ही इस पत्र में यह भी बताया गया है कि अब स्कूलों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्राचार्य को यह अधिकार दिया जाता है कि वह 2.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। वहीं विद्यालय प्रबंध समिति 5 लाख या उससे अधिक खर्च कर सकती है। बता दें कि इस पैसे से विद्यालय का रंग रोगन, रख रखाव, शौचालय और पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। वह इन सब की मॉनिटरिंग खुद जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह भी कहा गया है कि उपलब्ध राशि का उपयोग कर विभाग को इसकी सूचना नियमित रूप से देने होंगे। बिहार हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दूध फैक्ट्री में हुआ हादसा। बिहार के हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित दूध फैक्ट्री में अमोनियम गैस का सिलेंडर लीक होने से एक भीषण हादसा घटित हुई है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई तो वहीं आसपास के इलाकों के 100 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिनमें से कम 35 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो वहीं कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा कई मरीज ऐसे भी हैं जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना बीते रात 10:30 बजे के करीब हुई। इस दौरान अमोनियम गैस लीक होने से फैक्ट्री के दर्जन भर मजदूर और कर्मचारी बेहोश हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर जिले के वरीय अधिकारी पहुंचे और साथ ही कई दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घटना में एक व्यक्ति की जान गई है, उसकी पहचान मनेर निवासी दीनानाथ सिंह के रूप में की गई है। भीड़ को देखते हुए 2 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बिहार में 2 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की गई है। बता दें कि जिन 2 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन के परिचालन किया गया है उसमें 05215 और 05216 बरौनी यशवंतपुर बरौनी स्पेशल ट्रेन और 09034 और 09033 बरौनी उधना बरौनी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि स्पेशल ट्रेनों के ठहराव में भी परिवर्तन किया जा सकता है। मैट्रिक इंटर नौवीं परीक्षा और सेंटअप परीक्षा के पहले डमी ओएमआर जारी करेगा बोर्ड। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बोर्ड की ओर से मैट्रिक वार्षिक परीक्षा और इंटर वार्षिक परीक्षा, नौवीं वार्षिक परीक्षा और मैट्रिक इंटर के सेंटअप परीक्षा के पहले डमी ओएमआर सीट उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही अब वर्ष 2024 में होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी लेकर जाना अनिवार्य होगा, ताकि परिचय पत्र पर मौजूद फोटो से उनकी उत्तर पुस्तिका पर प्रिंटेड फोटो का मिलान किया जा सके। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा बताया गया कि 2024 से मैट्रिक और इंटर परीक्षा के परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और अब नौवीं में नामांकन लेने के साथ ही मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। वहीं सबके अलावा सभी स्कूलों को अब सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन भेजना होगा। बिहार में 2 से अधिक शस्त्र रखने वालों का लाइसेंस होगा रद्द। अगर आप बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं और आप 2 से अधिक लाइसेंसी हथियार रखते हैं तो बता दें कि अब जिला प्रशासन की ओर से इस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी कर यह कहा गया है कि अब जिले में 3 से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने वाले हथियार मालिक अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर दे और अगर हथियार मालिक के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि पटना के जिलाधिकारी के द्वारा आदेश जारी कर यह कहा गया है कि जिले में 3 या उससे अधिक शस्त्र रखने वालों को 10 जुलाई तक डीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है और अगर वह 10 जुलाई तक अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो यह समझा जाएगा कि वह अपने शस्त्र के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते और फिर तीसरे या उससे अधिक शस्त्र रखने वाले के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं जो इस आदेश का पालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगवानी पुल हादसा के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। बिहार में कुछ दिनों से पुल गिरने का सिलसिला जारी है। इसी को देखते हुए और मुंगेर सुल्तानगंज में अगवानी घाट पुल हादसे से सबक लेते हुए मुंगेर गंगा नदी पर बना श्रीकृष्ण सेतु को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बता दें कि अब इस सेतु से 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि सूचना NHAI की ओर से जारी की गई है और साथ ही NHAI विभाग की ओर से 3.56 FD ऊंचाई वाले लोहे का बैरियर भी लगा दिया गया है और अब यह भी कहा जा रहा है कि वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगने से मुंगेर रेल पुल पर जो संकट का बादल मंडरा रहा था वह तत्काल दूर हो गया है। बता दें कि इस सेतु पर 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से लगातार NHAI बिहार सरकार और जिला प्रशासन को पत्र भेजकर अनुरोध किया जा रहा था। ऐश्वर्या राय बच्चन की फोटो लगाकर प्रमाण पत्र का कर दिया आवेदन।
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम को लेकर सरकार के द्वारा आमजनों की परेशानियों को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मुहैया कराई गई थी, लेकिन बिहार के विभूतिपुर के एक निवासी के द्वारा बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया गया। हालांकि निवास प्रमाण पत्र के आवेदन में मिस वर्ल्ड की तस्वीर डालने के मामले में अधिकारियों ने गंभीरता से ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले की पुष्टि करते हुए राजस्व अधिकारी मधुसूदन चौरसिया के द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी एक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस पर कुत्ते की तस्वीर डालकर आवेदन की गई थी। उन्होंने बताया कि यह किसी व्यक्ति विशेष या साइबर कैफे द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसे में अब इन लोगों की पहचान कर कार्यवाही के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। 2 नवंबर को गांधी मैदान में सीपीआई करेगी रैली। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिहार राज्य कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक विराट जनसभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद आयोजित हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई विपक्षी दलों की बैठक सफल रही। उन्होंने बताया कि बैठक में भाजपा और संघ मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया है, जो व्यापक राष्ट्र हित में है। वहीं अगली बैठक 2 जुलाई के पखवाड़े में शिमला में आयोजित होने वाली है, उसमें गठबंधन को ठोस स्वरूप देने का काम किया जाएगा। आज ही के दिन भारत का यह युवा खिलाड़ी बना था विश्व कप जिताने वाला सबसे युवा कप्तान। आज यानी कि 25 जून को भारतीय क्रिकेट का यादगार दिन है। आज के दिन है भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के मैदान में इतिहास रचा था। दरअसल बता दें कि आज ही के दिन कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप अपने नाम किया था। बता दें कपिल देव विश्व कप जिताने वाले सबसे युवा कप्तान बने थे। उस दौरान उनकी उम्र केवल 24 वर्ष थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के द्वारा पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज को 34 रन से मात दी गई थी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेंद्र पांडे, नन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, सचिन कुमार, कुमारी संजना, उमेश कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, पीके पासवान, कमलेश शर्मा, उमेश ऋषिदेव, नौसद अंसारी, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकिशोर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है भारतीय टीम में आपका अब तक का मनपसंद कप्तान कौन रहा है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।